सलमान खान का हाय हाय मिर्ची गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस बार आपको कहना होगा हाय हाय सर्दी। आप भी सोच रहे होंगे कि हमें क्या मजाक सूझ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जल्द हाड़ कपा देने वाली ठंड दस्तक देने वाली है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ठंड को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया है कि इस बार देश में कितनी ठंड पड़ेगी और कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। एएमयू के भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले वक्त में ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। उनका कहना है कि इस बार ज्यादा गर्मी होने के बावजूद कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, जो कि पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसका सीधा प्रभाव उत्तर भारत पर होता है। दरअसल ये एक चक्र है जिसके बदलाव से इस तरह के असर दिखते हैं। एएमयू के वैज्ञानिकों का दावा है कि तापमान में कमी और हवा के उच्च दबाव के कारण पूरे उत्तर भारत पर असर दिखता है, जिससे हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोगों का सामना होगा। इसके साथ ही उन्होंने मौसम में तरह तरह के बदलाव के संकेत भी दिए हैं। वहीं कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि मूसलाधार बारिश होने के बाद ठंड कितनी बढ़ेगी। इसकी जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि दुनिया के हर कोने का मौसम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी जगहों को किसी न किसी तरह प्रभावित जरूर करता है, लेकिन भारत का मॉनसून प्रशांत महासागर की जलवायु पर ही आधारित होता है, इसलिए उसके मौसम में बदलाव भारत को सीधे प्रभावित करते हैं। ला नीना और अल नीनो दो विपरीत घटनाएं हैं, जिनका असर केवल भारत पर ही नहीं बल्कि वैश्विक मौसम, जंगल की आग और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ला नीना की वजह से ही भारत में इस बार ठंड का प्रकोप ज्यादा होने की उम्मीद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की ठंड को लेकर की गई भविष्यवाणी तो आपने जान ली। हालांकि ये भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठती है उसका अंदाजा आने वाले दिनों में चल ही जाएगा। ऐसे में हमारी आपसे यही गुजारिश है कि देर ना करें, अभी से गर्म कपड़े निकाल लें, रजाई गद्दों को धूप में डाल दें, ताकि ठंड के प्रकोप से बचा जा सके।